Assalamualaikum and ahlan wa sahlan marhaba ji ayanu par khair raakle and a very good morning to all of you. Well janab, this is me none other than chirpy and crispy live and loud. Hania Aamir आयशा मलिक आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक and the show is called Talk of the Town. So today is Thursday और 10th अगस्त हो चुकी है और आज मुहर्रम की 22 तारीख. उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ आज के दिन का स्टार्ट कर चुके होंगे. सो फिलहाल 11:15 है, हमारे पास ब्रेक का भी वक्त है और बहुत सारी बातें जो कि आपके साथ में थ्रू आप शो शेयर करती रहूंगी. बस उसके लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ. फिलहाल अभी ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. वेल, अभी तो आपको लग रहा होगा कि मस्ती के दिन है इसीलिए चलो झूमो गाओ और यू नो मौज मनाओ. बट द थिंग इज, जब मस्ती के दिन आपको अभी तो लग रहे हैं और थोड़ा सा वक्त जब गुजर जाएगा फिर आपको लगेगा कि यार मैंने तो वक्त जाया किया और मैंने बस इस मस्ती के चक्कर में अपनी बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि मैं कर सकता था या कर सकती थी उसको मैंने मेक श्योर नहीं किया. सो इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि वक्त आपको ये कहे कि आपने वक्त जाया कर दिया, सो पहले ही अगर समझ में आ जाए तो बड़ी मेरा ख्याल है कि बेहतरीन बात हो जाएगी. लेकिन कभी कभी इंसान जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को हासिल करके ही ऐसे नतीजे पर पहुंचता है कि कुछ सही होता है और कुछ गलत होता है. बट जो सही होता है वो तजर्बे के बिना नहीं आपको मिल सकता या नहीं आपको उसका इदराक हो सकता. सो बाय द वे, वो लोग जो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी है, बहुत यू नो आप चिल है लाइफ में, अभी तो आप चिल हैं. थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा तो आपको एहसास होगा कि यार ये जो चिलिंग सीन है ये फॉर द टाइम बीइंग ही था और अब लाइफ की जो रियलिटीज हैं जो कि हार्श रियलिटीज भी हो सकती हैं, बट अल्लाह ना करे आपको हार्श रियलिटीज को फेस करना पड़े. मैं हमेशा इस चीज को लेके आपके लिए दुआगो होती हूँ कि अल्लाह करे कि आपके लिए जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो और बहुत ही यू नो स्मूथ हो. और अगर आपको लगता है कि जिंदगी की जो रियलिटीज हैं वो आपके लिए अगर हार्श हैं तो आप उनके लिए आसानी की दुआ करें और डेफिनेटली दुआ से बहुत कुछ बदलता है. और कभी कभी हमारी जो तकदीर है उसमें दुआ का एलिमेंट लिखा होता है कि अगर हम दुआ मांगेंगे तो ही हमें ये चीज मिलेगी और तभी हमारे मामला जो है वो दुरुस्त होंगे. सो वो जो दुआ है वो भी तकदीर का ही हिस्सा होती है, इसलिए कहा जाता है कि दुआ से तकदीर बदलती है. जो होना होता है वो तो लिखा होता है, बट कुछ चीजें उस दुआ में पोशीदा होती हैं. ओके जनाब, कल हल्की फुल्की बारिश हुई और बारिश के बाद बिल्कुल मौसम की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी. और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि बारिश शायद आज भी हो जाए, आज वैसे पार्टली क्लाउडी वेदर है और इस क्लाउडी वेदर ने तो यू नो बिल्कुल सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी और वर्स्ट कर दी है मौसम को लेके, क्योंकि जब बारिश खुल के नहीं होगी और वेदर जो है वो ह्यूमिड रहेगा तो ऑटोमेटिकली गर्मी जो है उसका एहसास भी थोड़ा ज्यादा रहेगा. सो प्लीज खुद को इस मौसम में खास तौर पे बाहर की चीजों से दूर रखें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है. सो अभी के लिए मेरे पास एक और ट्रैक और गाना कुछ और प्ले करते हैं. अभी एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि कौन सा गाना प्ले करूं, लेकिन चले ये गाना प्ले करूंगी. और इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक का वक्त भी है. सो ब्रेक के टाइम के बाद डेफिनेटली मुलाकात होगी. आप मैसेज कर सकते हैं तब तक 4471 पर. मेक श्योर आप सुन रहे हैं, इधर उधर आप का मैसेज जो है वो ना पहुंच पाए. सो ये जहन में रखिएगा कि 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप सोशली भी अपनी कनेक्टिविटी को मेक श्योर कर सकते हैं मेरे साथ. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त रोड्स पे हैं और ट्रैफिक थोड़ी सी हो सकता है आपको इस वक्त देखने को मिले, लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं है तो प्लीज़ फिर भी आप एहतियात से ड्राइव करें। और अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि जब कोई खातून ड्राइव कर रही होती है तो मर्द हजरात को तो समहाउ ये लगता है कि इसके पास से तो गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि गाड़ी कहीं से किसी भी कोने से आ जाए, पता नहीं चलेगा। बट यू नो बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का अगर ओपिनियन इस बारे में ये है तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि औरतें जो हैं वो बहुत एहतियात से ड्राइव करती हैं और बहुत यू नो ख्याल से ड्राइव करती हैं। और अगर मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ लोग अगर सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हों और उन्हें ये पता चले कि ये एक औरत ड्राइव करती थी, तो वो उसको प्रेफर करते हैं कि उस कार को खरीदा जाए, क्योंकि उस कार का जो डैमेज है वो थोड़ा कम होता है। अच्छा, ये बात मुझे वैसे रिसेंटली पता चली है, क्योंकि मुझे पहले ये फील होता था कि औरतों को लेके मर्द हजरात, मैं सबको नहीं काउंट करी, मैं एक जनरल ओपिनियन शेयर कर रही हूं कि औरतों को लेके मर्द हजरात थोड़ा सा ये फील करते हैं कि औरतें अच्छी ड्राइवर नहीं है। बट जहां पर औरतों की ड्राइविंग की बात करें तो बहुत 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 बेहतर ड्राइव भी औरतें करती हैं। और मर्द हजरात भी ऐसे हैं जो ड्राइव करते हुए किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल नहीं रखते। सो फिर ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या मतलब सिर्फ ये एक जो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी में बात चलती है कि औरतों की ड्राइविंग जो है वो बेहतर नहीं होती और मर्दों का सलीका, लेकिन मैंने टोटली चीज़ें जो है वो डिफरेंट देखी हैं। मर्द बहुत 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 सलीकेमंद भी हैं और औरतें जो है वो बहुत 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 अच्छी ड्राइवर भी हैं। ये बात नहीं कि मैं खुद औरत हूँ इसलिए मैं बात कर रही हूँ, बट एक्चुअली ये बात है कि मर्द हजरात के ही मुंह से मैंने ये चीज़ सुनी है कि औरतें बहुत अच्छी ड्राइवर हैं। और जहां तक खाना पकाना उनके बाएं हाथ का खेल है, वहीं पर यू नो अच्छी ड्राइविंग करना भी उन्हें अच्छा आता है। वो समझती हैं ड्राइविंग सेंस, उनको पता है कि किस तरह से ड्राइव जो है वो करना है या रोड पे किस तरह से एक सेंस रखनी है। सो फिलहाल आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो पंजाब के बारे में अपडेट ये है कि कैदियों को जश्न आज़ादी की खुशियों में शामिल करने की हिदायत। सो चले, अच्छी बात है, हर बंदे का हक है कि वो जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर सके। सो मौसम गर्मा में उम्र की अदायगी के लिए नए कवायदो जवाबित जारी हुए हैं। अभी तो 2-3 महीने रह चुके हैं गर्मी के, लेकिन ये महीने काफी ज्यादा जरा क्रूशल हैं गर्मी को लेकर। सो वर्ल्ड कप 2023 के नए शेड्यूल का ऐलान पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को होगा, पहले 15 को था आई गेस, यस। और वर्ल्ड कप हार जाओ पाकिस्तान से नहीं हारना, ये तो हम कल बात कर ही रहे थे और ये चीज स्टिल यू नो चल रही है। अभी इस पर देखा जाए तो बहुत सारे वो लोग जो इस स्टेटमेंट को लेके बहुत सारे मीम्स बना रहे हैं, भाई आपका आर्ट जो है वो कमाल आर्ट है। हर बंदा मीम नहीं बना सकता, हर बंदा जो है वो एक यू नो फनी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। हाँ, फनी के साथ ऑफेंसिव स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान हो चुका है। और फिल्म बार्बी की बात करें तो अरबों डॉलर आमदनी के क्लब में दाखिल हो चुकी है। ओके, सो जनाब फिलहाल एक और ट्रैक करूंगी मैं प्ले, इसके बाद यस कमर्शियल नहीं है, बल्कि इसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल, आजकल चूंकि अभी बच्चों के स्कूल्स नहीं खुले और पेरेंट्स जो हैं वो काफी हद तक उनका होमवर्क वगैरह कंप्लीट करवा चुके होंगे और अभी जो मेन फोकस है वो जाहिर सी बात है उनकी रूटीन को सेट करने का होगा, क्योंकि छुट्टियों में बच्चों की जो सबसे ज्यादा चीज डिस्टर्ब होती है वो उनका सोने और उठने जागने का टाइम होता है। बट अगर पेरेंट्स स्टिल उसी पैटर्न पे हैं जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते थे और आपके बच्चे की एक रूटीन थी, सो फिर तो बहुत बहुत आपके लिए आसानी है। लेकिन वो पेरेंट्स जिनके बच्चे यू नो उठने जागने की टाइमिंग जो है वो डिस्टर्ब कर चुके हैं छुट्टियों की वजह से. सो उनके लिए इट्स द हाई टाइम क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी हैं स्कूल्स के ओपन होने में. सो आप जब तक स्कूल ओपन नहीं हो रहे आप तब तक अपने बच्चे की नींद कम से कम प्रॉपर उसको मेंटेन कर सकते हैं. और वैसे भी आपको पता है कि नींद चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी भी एज ग्रुप का बंदा हो, सो नींद सबके लिए जरूरी है. अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद एक प्रॉपर तरीके से नहीं लेते तो आपका पूरा दिन जो है वो उस 6 से 8 घंटे की नींद ना होने की वजह से डिस्टर्ब गुजर सकता है. लिहाजा चाहे आपकी कोई भी फैमिली में ऐसी चीजें है जो आपकी नींद को स्पेशली डिस्टर्ब कर सकती हैं, सो आप कोशिश करें किसी न किसी तरीके से उसको मैनेज करें, मेंटेन करें और अपनी नींद का जो टाइम है वो पूरा करें. और अगर हो सके तो दोपहर जोहर की नमाज के बाद अगर थोड़ा बहुत आप सोने की कोशिश करें, वो भी आपके दिमागी सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. वैसे तो अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जाहिर सी बात है दोपहर को सोना जो है वो सुन्नत है, लेकिन ये चीज उन लोगों के लिए जरूरी है कि जो घर पे हैं या फ्री टाइम है उनके पास और वो दोपहर में सोना मैनेज कर सकते हैं. वैसे तो चाइना की मैंने आपको शायद एक कंपनी की डिटेल बताई थी कि वहां पर वैसे तो डिफरेंट कंपनीज जो हैं ये चीज करते हैं मेक श्योर कि अपने एम्प्लॉयज को जो लंच ब्रेक देते हैं उसमें 20 मिनट्स का जो एक टाइम है वो फिक्स्ड होता है उनके सोने के लिए या उनका नैप के लिए. सो वो जो नैप होता है दोपहर का वो आपके काम की एफिशिएंसी को बढ़ाता है. सो अगर आप ये सोचें कि चलो यार मतलब आप असर या मगरिब के टाइम पे भी सो सकते हैं और आपका नैप हो जाएगा, आपकी नींद की जो एक कमी थी वो पूरी हो जाएगी, सो वो थोड़ी सी अप्रोच गलत है क्योंकि नींद का टाइम जो है वो अगर आप दोपहर में लंच के बाद करें तो फिर आपके काम की एफिशिएंसी भी बेहतर होगी, आपका जो दिमागी सेहत का मामला है वो भी बेहतर रहेगा. और इसके अलावा वो लोग जो रात को खाने का अपना टाइम जो है वो भी सेट नहीं रखते, सो ये चीज भी आपकी नींद को लेके डिस्टर्ब कर सकती है. सो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी नींद के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है आगे चल के बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इनफैक्ट इम्पोर्टेंट मैटर है. और अब आजकल पेरेंट्स इस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या किया जाए कि बच्चों का टाइम जो है वो मैनेज हो सके नींद को लेके स्पेशली, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चा आपका स्कूल के लिए उठेगा तो आपको तंग करेगा और आप भी तंग होंगे जाहिर सी बात है क्योंकि आपकी भी नींद उस तरह से ही अब हो चुकी है जिस तरह से आपके बच्चे की है. तो आप पहले खुद को ठीक करें फिर अपने बच्चे को, देन डेफिनेटली आपके लिए आसानी का मामला हो सकता है. सो फिलहाल एक और ट्रैक और इसके बाद हम प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में आपको करेंगे ज्वाइन और डेफिनेटली मैं बात करूंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नींद के लिए रुकावट बन सकती हैं कि अच्छी नींद अगर आपको नहीं आती और आप कंप्लेन करते हैं कि आपकी नींद जो है वो प्रॉपर नहीं है तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और बात अगर आज के प्रोग्राम के हवाले से हम मजीद करते हैं तो हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में अपडेट ये है कि भारत से शिकस्त, पाकिस्तान इवेंट से आउट. ओके, सो एशिया कप के मैचेस के लिए कजाफे स्टेडियम लाहौर में काम तेजी से जारी है और लेट्स सी आवाम का रिस्पांस इन मैचेस पर कैसा रहेगा जो कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाले हैं. सो वर्ल्ड कप मैचेस की मेजबानी करने वाले भारतीय स्टेडियम में आग लग गई. ओके, सो वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा बाबर आजम की सालगिरह पर नहीं हो सकेगा. ओके, ये भी शायद चीज डिसाइड हुई है पहले से और चूंकि आपको पता है कि कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है और इस पर भी लोगों का ओपिनियन जो है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। और जनाब, कराची से लाहौर आने वाली मालगाड़ी हादसा से बाल बाल बच चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले बाय द वे, ये कुछ इस तरह के हादसा या कुछ इस तरह की खबरें जब आती हैं ना तो ऑटोमेटिकली दिल जो है वो थोड़ा बुरा हो जाता है। और स्पेशली पिछले दिनों जो एक ट्रेन का जो हादसा हुआ था उस पर जो एक डिटेल रिपोर्ट आई थी कि जहां पर लोहे की कीलें लगनी थी वहां पर लकड़ी की कीलें लगाई गई थी और मतलब सेफ्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं थी, जिसकी वजह से वो हादसा रुनुमा हुआ। और एक्चुअली मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जो इंस्पेक्शन टीम्स होती हैं, हर इदारे में जाहिर सी बात है इंस्पेक्शन के लिए टीम्स जो है वो मुकर्रर होती हैं, और उन लोगों की नेग्लिजेंस के जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस हादसे में जाँ बहक हुए, कुछ जख्मी हुए। लेकिन इस पर हम अगर देखा जाए तो उसी इदारे के उन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि जो प्रॉपर तरीके से उस मामले को रेक्टिफाई नहीं कर सके टाइमली, और फिर बाद में जब पता चला तो फिर देर हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, जब एक हादसा हुआ, हादसे में जो लोग नुकसान जिनको पहुंचा, सो उसके बाद अगर चीजें पाए हों तो फिर बात टोटली गलत है कि जाहिर सी बात है पहले उस मामले को देखा नहीं और बाद में जनाब फिर ये कहा कि ये हुआ वो हुआ एंड ब्ला ब्ला, इल्जाम एक दूसरे पे लगाना। सो ये ब्लेम गेम का सिलसिला जो है वो हमेशा से चलता आया और चलता रहेगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सो जनाब अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है ब्रेक पर जाने से पहले, तो हम एक और ट्रैक सुन लेंगे, इसके बाद ब्रेक है। ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन और मौसम का हाल भी बताऊंगी आपको कि आज के दिन में वेदर कंडीशन कैसी रहने वाली है थ्रू आउट द कंट्री। सो आप सुन सकते हैं मेरे साथ टॉक ऑफ द टाउन टिल 1 PM। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, जब हम कहीं आउटिंग के बारे में बात करते हैं और स्पेशली वो लोग जो बीचेस पर जाना बहुत पसंद करते हैं या सी पर जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, बट क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के साथ हम ये चीज़ शायद भूल जाते हैं कि हमारे पास जो भी खाने पीने के लवाजमात होते हैं, सो जो ट्रैश होता है उसको हमें किसी ऐसी प्रॉपर जगह पर डिस्कार्ड करना है जहां पर किसी को नुकसान ना हो या जो एक क्लीनलीनेस है वो बरकरार रहे। सो ये चीज़ हम खैर भूल जाते हैं, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंबर्स जो डिफरेंट जगहों को जाते हैं, विजिट करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चोटी जो है वो उन्होंने चूज करनी है कि जिसको वो क्लाइंब करें और एक नया माइलस्टोन जो है वो अचीव करें। बट टू समहाउ एक ये भी चीज देखने में आती है कि जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं सो उनका खाने पीने का जो भी मामला होता है वो उनके एक छोटे से बैग में होता है। सो टू समहाउ क्लीनलीनेस का मामला थोड़ा सा वहां पर भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मैं ये चीज जो कि अप्रिशिएटेबल है जिसके बारे में बात करना चाहूंगी कि साजिद अली सतपारा जो कि पाकिस्तानी क्लाइंबर है, सो उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग जॉब की है। वो ये कि उन्होंने क्लेंस किया है K2 को, और actually from the K2 base camp in Pakistan, Sajid Ali Sadpara जिन्होंने ये basically अपनी जिम्मेदारी समझते हुए K2 को क्लीन करने का सोचा, तो मेरा ख्याल है ये बाकी क्लाइंबर्स के लिए भी एक सबक आमूज बात हो सकती है कि अगर आप किसी भी तरह से कोई भी काम करते हैं और उसमें साफ सुथराई का मामला जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपको मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है कि आप ये जिम्मेदारी लें और जिस जगह आप जाते हैं वहां अगर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता तो आप कोशिश कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं कि वहां पर साफ सुथराई हो सके। अगर आपकी वजह से ये चीज हो सकती है तो सो एक बहुत अमेजिंग मेरा ख्याल है कि ये एक स्टेप लगा मुझे उनकी तरफ से कि चले कोई ना सही, लेकिन साजिद अली सतपारा ने ये जिम्मेदारी उठाई और इस जिम्मेदारी को बहुत ही भरपूर तरीके से, पुरजोश तरीके से उन्होंने इसको निभाते हुए ये लोगों को मैसेज कन्वे किया कि हमें अपनी चाहे दरिया है, नदी नाले हैं, समंदर है या कोई ऐसा एरिया जहां पर लोग पाकिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर से आते हैं और सियाहत का जो एक सिलसिला है वो नो डाउट पूरी दुनिया में है, बट पाकिस्तान की जो सियाहत है उसके लिए भी लोग आते हैं और यहाँ की ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं। सो अगर पाकिस्तान की ब्यूटी किसी भी चीज़ की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो तो उस पर मेरा ख्याल है कि दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। हम सब की जिम्मेदारी है कि इसको हमें पूरा करना है हर हाल में। सो जनाब, अभी फिलहाल मेरे पास एक अदर ट्रैक है, इसके बाद करूंगी मैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। वेल जनाब, चूंकि मौसम गर्म है और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारे मुमालिक हैं जहां पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा शदीद है। सो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग आई एम श्योर बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो बाय द वे, पाकिस्तान में आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है ये ज़रा वेदर अपडेट में देख लेते हैं। इस्लामाबाद में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 25 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 71%। और बाय द वे, इस्लामाबाद में आज बारिश। लाहौर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 28 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 66%। और ओके जनाब, सियालकोट में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 35, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 77%। सो चूंकि गर्मी तो पाकिस्तान में है ही, बट वो लोग जो पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया स्पेशली उम्रे के लिए गए हैं सो उनको अंदाजा होगा कि वहां पर भी गर्मी का जो एक एहसास है वो शदीद है। सो सऊदी वजारत हज और उम्रा ने मौसम गर्मा के दौरान उम्रे के हवाले से कुछ हिदायत जारी की हैं। वो ये कि एक तो आज से गुजारिश है कि वो राहदारियों, नमाज की जगहों, गाड़ियों के हंगामे जो रास्ते हैं या माजूर लोगों के लिए जो बनाए गए रास्ते हैं उन पर बैठने या सोने से गुरेज करें। और इसके अलावा शदीद चूंकि गर्मी है तो मुनासिब औकात कार का इंतखाब करें, इबादत के लिए अपने आराम का ख्याल रखें, उम्रा करते वक्त मुनासिब लिबास पहनें जो आपको ठंडक का एहसास देता रहे और मुनासिब मकदार में पानी पिएं, इबादत के दौरान वक्फा लें और ज़ाये में रहें। सो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी मुश्किल होती हैं, आपको वहाँ पर जाके पता चलता है, बट अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो आई एम श्योर काफ़ी हद तक आपकी इबादत आसान हो सकती है। ओके, अभी एक और ट्रैक, इस गाने को मैंने बहुत अरसे के बाद प्ले किया है, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। सो जब बात आती है वाइटल साइंस की या जुनैद जमशेद की, कुछ गाने ऐसे हैं जो फिंगर टिप्स पे हैं और उनको सुन के हमेशा आपको एक नया और एक अलग सा एहसास होता है। सो शायद इस गाने को सुन के आपकी मे बी कोई मेमोरी हो जो कि रिकॉल हो जाए, या मे बी इस गाने को सुन के आपको थोड़ा सा बेहतर और एक रिफ्रेश फील करें आप। सो ये गाना उन सभी लोगों के लिए जो जुनैद जमशेद के बहुत बड़े फैन हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अभी के अभी ट्यून इन किया है 107.4। बाय द वे, हमारी पूरी टीम जो है मेरा एफएम की वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, चाहे वो कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, और कोई भी बात हो रही हो तो फौरन से पहले रिस्पांस आता है। सो नोमान, थैंक यू सो मच अपडेट करने के लिए। सो बाय द वे, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस्लामाबाद में बारिश हो रही है तो इस्लामाबाद का मौसम प्लेजेंट है, ऑसम है। सो चले, इस्लामाबाद के लोग तो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे होंगे क्योंकि लाहौर, सियालकोट और इसके अलावा भी काफ़ी जगह हैं पाकिस्तान में जहां पर मौसम जो है वो शदीद गर्म है और इस गर्मी में जब लोड शेडिंग होती है और टाइम का पता नहीं होता कि लोड शेडिंग का टाइम है या नहीं है, सो तब थोड़ा ज़्यादा बुरा लगता है। सो बाय द वे, अभी एक और बात है जो कि मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ और आई एम श्योर मेरी आवाज आपको सही से आ रही होगी। सो हम जाते हुए बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन सी ऐसी आदत हैं जो कि आपकी नींद में रुकावट बन सकती है। सो सुनने के लिए मेरे साथ रहेगा और अभी मेरा ख्याल है इस गाने के बाद कमर्शियल है। यस, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन। Oh yes, more music less tattoo. Welcome back once again. Well जनाब, नींद के हवाले से हम बात कर रहे थे और अक्सर औकात अब आप देख ही रहे होंगे कि बच्चों के पास जब से ये डिवाइसेस आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से भी उनकी सारी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हुई है और स्पेशली उनकी नींद का मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। और एक और चीज़ वो ये कि पेरेंट्स शायद अक्सर ये भूल जाते हैं कि अगर उन्हें किसी ऐसी चीज़ की आदत है जैसे सिगरेट नोशी वगैरह, तो वो अपने बच्चों के सामने ही स्मोक कर रहे होते हैं और ये उनको अंदाजा नहीं होता कि इस चीज का उनके बच्चे पर भी असर पड़ सकता है। बट कुछ बच्चे तो अगर उनके पेरेंट्स ना भी स्मोकिंग करते हों या उनके फादर या उनके घर में कोई स्मोक नहीं करता, फिर भी अगर उनके बच्चों की सोबत ऐसी है, उनके बच्चों की गैदरिंग ऐसी है जहां पर स्मोकिंग होती है, बहुत ज्यादा इन है, तो आपका बच्चा तब भी स्मोकिंग की तरफ आ सकता है। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपका बच्चा किस वक्त अपनी जो डिवाइसेज है उसको साइड पे करता है और आपका बच्चा क्या ऐसी किसी आदत में मुब्तला है या फिर आपका बच्चा खाने पीने के हवाले से क्या सिर्फ फ्राइड चीज़ों पे ही रिलाय करता है या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो सिर्फ वो खाता है, अदरवाइज उसे ना सब्जियां पसंद है ना दालें पसंद है। सो अगर हम क्वालिटी लाइफ को मेक श्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए हर चीज का बैलेंस इज मस्ट। सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इनका ख्याल रखा जाए तो नींद का मामला बहुत बेहतर हो सकता है और आपके बच्चे की सेहत भी इम्प्रूव हो सकती है। सो इसी नोट के साथ अब चाहूंगी इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आप कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान।